कोविड पर लोगों ने बहुत बड़ा बड़ा ज्ञान झाड़ा, दुनिया भर के रिसर्च दिखाए, फिर उनसे पलट भी गए। मगर हमारे देश के प्रधानमंत्री ने जो भी कहा, बेहद ही सीधे सच्चे अंदाज में कहा। कोरोना की वजह से जिस तरह के हालात है, प्रभु राम का मर्यादा का मार्ग आज और अधिक आवश्यक है। वर्तमान की मर्यादा है दो गज की दूरी, मास्क है जरूरी। उनकी ये अपील इतनी सामान्य और साधारण थी कि हर देशवासी के जहन में उतर गई, चाहे वो किसी भी तबके का क्यों ना हो। कार्यक्रम चाहे किसी भी मुद्दे पर हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देशवासियों से हर बार ये विनती करना नहीं भूले कि कोरोना को हराने के लिए छोटी छोटी जंग ही बड़ी कारगर हैं। अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता, अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आयुर्वेद की परंपरा वाला जो काढ़ा होता है उसे पीते रहें, गुनगुना पानी पीते रहें, निरंतर अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दें। आप सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए, आपका परिवार स्वस्थ रहे। अब आते हैं उस बात पर जिसे सुनकर आप इस बात पर फक्र भी करेंगे कि मोदी आपके प्रधानमंत्री हैं, और बेहद ही सुरक्षित भी महसूस करेंगे कि मोदी आपके प्रधानमंत्री हैं। हाल ही में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने एक बेहद ही विश्लेषणात्मक अध्ययन किया है भारत और कोविड-19 के असर पर। दुनिया को असंभव सा लग रहा था कि भारत जैसा देश कोरोना के काल से बच पाएगा, लेकिन हुआ उसका उलट। भारत में कोविड के केस भले ही बढ़ रहे हों, लेकिन परिस्थितियां तो बड़े बड़े देशों से बेहतर हैं, और इसकी एक सीधी और सच्ची सी वजह है प्रधानमंत्री मोदी का कोविड से लड़ने का वो जज्बा जिसे उन्होंने हर हिंदुस्तानी के दिल में ही उतार दिया। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने अपनी स्टडी में माना है कि चाहे लॉकडाउन के दौरान थाली बजाने की अपील हो, दिया जलाने का पॉजिटिव संदेश हो, योगा प्राणायाम करके खुद को फिट रखने की सीख हो, आयुर्वेद के नुस्खों की नसीहत हो, या बार बार मास्क पहनने और दो गज की दूरी की गुजारिश हो, पीएम मोदी देश की जनता से लगातार जुड़े हुए हैं और एक अभिभावक की तरह सबको समझा रहे हैं, और उनकी इसी कोशिश ने लोगों को जागरूक बनाने में बेहद ही अहम भूमिका निभाई, जिसकी वजह से भारत में कोविड उतना नुकसान नहीं पहुंचा पाया जितना अनुमान दुनिया लगा रही थी। पीएम मोदी की इन कोशिशों की वजह से लोग कोविड के खिलाफ चल रही जंग में अपनी भागीदारी देने भी आगे आए, कुछ वॉलंटियर बनकर तो कुछ ने पैसे से मदद दी। ये भी पीएम मोदी की ही जीतोड़ कोशिश की वजह से हुआ कि भारत जैसा देश बड़ी संख्या में आज पीपीई किट, वेंटिलेटर और दूसरे मेडिकल उपकरण बनाने लगा है। मेडिकल रिसर्च की जा रही है, आज कोविड वैक्सीन भारत में बन रही है, जिस पर पीएम मोदी लगातार करीब से नजर बनाए हुए हैं। कोविड से ऐसी लड़ाई तो दुनिया के किसी देश ने नहीं लड़ी, क्योंकि हर देश के पास प्रधानमंत्री मोदी नहीं है। शायद इसीलिए कैम्ब्रिज जैसे संस्थान को भी पीएम मोदी की तारीफ करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है।